आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए, वो मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिसे देख करके आपका दिल खुश हो जाएगा और ये दिल करेगा कि आप वाकई में गांधी के देश में रहते हैं। विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं पूरे देश में एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के। पिछले दिनों जामिया में विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें दिल्ली पुलिस की बर्बरता सबके सामने आई कि किस तरह से उन्होंने छात्रों को अंदर घुस करके पीटा, यहाँ तक कि लाइब्रेरी में पढ़ रहे छात्रों को भी नहीं बख्शा गया। अब इसी को लेकर के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहा था, जिसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई और ये तस्वीरें हैं उन बच्चियों की जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी यानी कि दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं उनको गुलाब देती हुई बच्चियों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। बच्चों का कहना है, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कि हम गांधी के देश में रहते हैं और हमारा प्रदर्शन करने का तरीका बिल्कुल डेमोक्रेटिक होगा और किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होगा। हालांकि हम इस बिल के खिलाफ थे और खिलाफ ही रहेंगे जब तक कि सरकार इस बिल को वापस नहीं ले लेती है। गुरुवार को ये प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर किया गया, जहां की ये तस्वीरें वायरल हुई हैं। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से कुछ लड़कियां अपने हाथों में गुलाब लेकर के दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को ये गुलाब देने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर एक और भी हैशटैग चल रहा है, जिसको कहा जा रहा है दिल्ली पुलिस बात करो, क्योंकि लात की और डंडों की और लाठियों की बात बहुत हो चुकी है, दिल्ली पुलिस से बात करने की बात की जा रही है। तो ये एक अच्छा तरीका निकाला गया है कि आप जो भी पुलिस वाले आपको पीटने के लिए आ रहे हैं लाठी डंडे लेकर के, उन पर आप फूल बरसाएं, आप उनको फूल दें ताकि आपका प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे और किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरह का हंगामा, किसी भी तरह का वायलेंस यानी कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आपसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और लोगों में ये मैसेज जाए कि जो प्रदर्शन हो रहा है वो अहिंसा के नाम पर हो रहा है, अहिंसा के आधार पर हो रहा है और गांधी के देश में हो रहा है और गांधी के ही सिद्धांतों पर हो रहा है। आप लोग इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएँ और जाकर के अपनी राय हमें ज़रूर बताएँ। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।